और फिर आप सभी का स्वागत बेटा। आज हम अपना चैप्टर व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट करने वाले हैं। व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, ये आपके थर्ड चैप्टर है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का। और इस चैप्टर में हम दो टॉपिक पहले कर चुके हैं और दिस इज योर थर्ड टॉपिक। इससे पहले वाला सेकंड टॉपिक था पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, था कि जो पीपल है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को किस तरह से चुनते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव होते कौन है, ठीक है ना, इस बारे में बात की। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट का रोल क्या है, और उसके बाद में बात करेंगे हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट, वो कौन से लोग हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, ये सब हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपकी बुक में पेज नंबर 42-41 पे लिए चलता हूं और वहां पे मैं आपको मैप दिखाऊंगा। ये आपको बेटा देखो एक आपको काम करने का अच्छा तरीका बताता हूँ। यू आर द इंटेलिजेंट एंड हाईली मोटिवेटेड पीपल स्टूडेंट। बेटा जब भी मैं जो चैप्टर करा रहा हूँ, प्लीज गो थ्रू योर बुक, एनसीईआरटी बुक को उसके साथ में पढ़िए। खाली वीडियो देख लेना और उसके साथ में असाइनमेंट कर लेना, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। आपको बुक के साथ चलना होगा, बुक को पूरा पढ़ना है बेटा। वीडियो पहले देखिए, उसके बाद अगेन यू गो टू द बुक, बुक से पढ़िए, देखो उसमें सर ने क्या छोड़ा। सर को बताइए कि सर आपने ये तो छोड़ ही दिया, आपने ये तो हमको कराया नहीं, तो वो कब पता लगेगा, जब आप बुक पढ़ोगे। तो दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे को बताओ आप कब बता पाओगे, जब आपको मेहनत करनी होगी। आप उतना मेहनत करो बेटा, तो दिस इज योर पेज नंबर 41। एनीवे आप समझ गए होंगे। और पेज नंबर 41 में दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, यू माइट बी एबल टू सी, ये मैप ऑफ इंडिया में देख रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे अपने जो पार्लियामेंट, रोल ऑफ द पार्लियामेंट, तो तब जानोगे ना बेटा पार्लियामेंट का आपको पता लगे। ये जितना जो भी आप हल्का ग्रे कलर देख रहे हैं, दैट दीज आर दी जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब यहां से देश का कोई भी नागरिक चुनाव में खड़ा हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरी है ये हल्का ब्लू में, दिस इज शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो ब्लू में देख पा रहे हो, दिस आर दिस शेड्यूल कास्ट। मैं बताने वाला हूँ शेड्यूल कास्ट क्या है। और इसके नीचे जो ग्रीन पार्ट में है, या फिर पूरे इंडिया में जो ग्रीन शेड्यूल पार्ट है, दिस आर दी कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर दिस शेड्यूल ट्राइब। अब ये जनरल क्या है, शेड्यूल ट्राइब क्या है, और शेड्यूल कास्ट क्या है, वो सब मैं बात करके आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आर यू एबल टू सी, यू हैव टू विजिट टू द यूर बुक, यू जस्ट गो थ्रू योर बुक, यू विल बी एबल टू सी इट इन मोर अप्रोप्रिएट मैनर, ठीक है। तो अब मैं इस बुक को रख देता हूँ बेटा। अब हम बात करते हैं अपने यहाँ पर द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। जैसा कि आपने बेटा मैं हमने आपको मैप में दिखाया, भारत को जब भी चुनाव होते हैं, आपकी पार्लियामेंट के अंदर हम देश के नागरिक जिन्होंने 18 इयर्स की एज पूरी कर दी है, अपने देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम है। इसका मतलब यह है कि सबको, ठीक है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कुछ नहीं देखने वाले, सबको 18 इयर्स दे कैन कास्ट वोट, ठीक है ना, सब लोग डाल सकते हैं। आपकी भी 18 इयर्स हो जाएगी तो भी आप वोट डाल पाओगे, ठीक है, करेक्ट, डालोगे जरूर, अपने यूटिलाइज करने हैं वोट डाले, राइट टू वोट, ये आपका सबसे बड़ा अधिकार है, इसका इस्तेमाल करने हैं। तो ये जो पूरे देश को हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया, जो आपने देखा था ना ये अलग अलग शेडेड पार्ट, ये बेटा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। और दीज आर दी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी, कितने हैं, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं आज के दिन हमारे देश में, जहां से अब ये 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मैंने बताया था इससे पहले वाले टॉपिक में कि हमने इनकी एक पॉपुलेशन डिसाइड कर दी है कि 5,00,000 to 7.50 तक एक उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की इतनी पॉपुलेशन जहां पर होगी उसको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये पुराना है कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो ये अपना डिमार्केशन करने का जो तरीका है, ये 1970 के लगभग का है, उस टाइम ये डिसाइड किया था, ठीक है ना, आज का नहीं है। तो
तो उसके आधार पे हमारे को पूरे देश को 543 चुनाव क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ से लोग चुनाव में हिस्सा लेते हैं, कितने भी कंटेस्टेंट हो सकते हैं लेकिन जीतेगा एक ही हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो इस तरह से चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन है, वो चुनाव कंडक्ट कराता है, ठीक है बेटा। और उसके बाद में हम वोट डालते हैं जब हर 5 साल बाद में चुनाव होते हैं। अब वोट डालने के लिए आपके पास में आजकल तो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ईवीएम पे डालते हो। पहले बैलेट पेपर होता था, पेपर पे चुनाव चिन्ह होगा, निशान होगा और नाम लिखे होंगे, तो जिसको डालना हो चाहते हो उसके सामने टिक कर दीजिए। बट नाउएडेज यू हैव द रिसेंट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, यू विल हैव द ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वहां पे आप यू प्रेस द बटन ऑफ योर चॉइस कैंडिडेट। मान लो उसमें आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 10 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं मुकाबले में, तो आप जिसको वोट डालना चाहते हो उनके सामने प्रेस कर दीजिए, उसके चुनाव चिन्ह के सामने, जो भी उसका सिंबल है, चुनाव का चिन्ह है, निशान है, ठीक है। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसी के फिर बाद में चुनाव के बाद में वो काउंटिंग ऑफ वोट्स होगी, ठीक है ना। अब जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगी किसी एक पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वहां से एक कैंडिडेट जीत के जाएगा। ऐसे पूरे देश से 543 कैंडिडेट जीत के जाने हैं, ठीक है ना। और जाके कहां पे बैठने वाले, हमारे देश की पार्लियामेंट में बैठने वाले हैं। कहां पे बैठेंगे बेटा, देश की पार्लियामेंट। अब देश की पार्लियामेंट क्या करती है वो भी बात करेंगे। खाली वहां बैठने के लिए थोड़े ही जाते हैं, वो देश के लिए कानून बनाने के लिए जाते हैं। एक मैं आपको पेज नंबर दिखाता हूँ, 34 आपने देखना है, वैसे भी आप तो डेली देखते ही होंगे, जो लोकसभा का चैनल है ना उस पे दिखाते हैं। ये आपकी लोकसभा है, ठीक है ना, लोकसभा मेंबर्स ऑफ लोकसभा है, वो इसमें जाके बैठते हैं। यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 543 बुक में लिखा है, उसमें थोड़ा अमेंडमेंट हो गया है, आप याद रखिए यहाँ पर बैठने वाले 543 है। फिर उसके बाद में दिस इज योर राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं इसको, काउंसिल ऑफ स्टेट यहाँ पर जाके बैठते हैं। इसका भी मैं बताने वाला हूँ कौन से काउंसिल ऑफ स्टेट किसको बोलते हैं। और जो थर्ड है ये लोकसभा के जो दोस हाउस ऑफ द पीपल विद अ टोटल मेंबर 545 लिखा हुआ है, अगेन ये लोकसभा दिखा दी इन्होंने, लेकिन यहाँ पर अभी आज कल 543 है बेटा। वो दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते थे ना, वो अभी 2020 के जनवरी में वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करके ना वो खत्म कर दिया है, जो अंग्रेज कम्युनिटी से होते थे वो अभी नहीं है। तो हमारे देश से ऐसे करके 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुनाव में हिस्सा लेते हैं, जीतते हैं, वो जाकर हमारे देश की पार्लियामेंट जो मैंने अभी आपको दिखाया उसमें जाके बैठते हैं। अब बैठते किस लिए है, वहां पे बातें करेंगे, है ना, मजा पिक्चर के बारे में बात करेंगे, वह मैंने वो पिक्चर देखी यार, मैंने ये किया, ये करने वाले हैं क्या पार्लियामेंट में? नहीं बेटा, वो ये नहीं करने वाले, वो देश के लिए कानून बनाना, डिसीजन मेकिंग, ये पूरे के पूरे लोग यहाँ पर जाके बैठेंगे आपके पार्लियामेंट के अंदर। कहाँ पे बैठने वाले हैं? पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में क्या करने वाले हैं? पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन ऑफ लॉ क्या करेंगे? लेजिस्लेशन ऑफ लॉज, आपके लिए कानून बनाने वाले हैं, ठीक है बेटा, कानून बनाएंगे देश के भलाई के लिए। तो अब ये 543 मेंबर तो चुन के चले गए, सरकार कैसे बनेगी बेटा? कोई देखो, आपने सुना होगा कुछ विपक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, कुछ सरकार में होते हैं। सरकार में जो है ना, जिनको मिनिस्टर्स बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनका जो मुखिया होता है, मुख्यमंत्री होता है, उनका भी देख लेते हैं कैसे चुनाव होता है ना, ठीक है। तो जितने भी मेंबर चुन के गए, इसमें फिर किसी एक पार्टी के पास में सबसे ज्यादा मेंबर होंगे, ठीक है ना, कितने? सबसे ज्यादा। और अगर किसी एक पार्टी के पास नहीं है ना बेटा, तो फिर क्या करते हैं, एक से ज्यादा पार्टियां मिल जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? कोएलिशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? कोएलिशन, COALITION। तो कोएलिशन गवर्नमेंट बन जाएगी, गठबंधन की सरकार, कई सारी मिली जुली सरकार, कई सारे पार्टियां एक साथ मिल जाएंगी, क्योंकि हमको जो 543 सीट्स है ना बेटा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुन के लिया है 543, तो सरकार बनाने के लिए हमको चाहिए 272, इसके हाफ से एक ज्यादा, ठीक है ना, इसका हाफ करेंगे, इसको डिवाइड कर दो 1/2 से, तो उससे भी एक ज्यादा चाहिए हमको सरकार बनाने के लिए। तो वो जो मेंबर्स होंगे, जिनके पास में 272 मेंबर्स होंगे, वो सरकार बनाएंगे,
उनके पास में ज्यादा पावर मानी जाएगी, वो कैबिनेट कहलाएगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो उस दल का जो सबसे मुखिया होगा ना, मेन नेता, वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और फिर प्रधानमंत्री अपने मिनिस्टर्स को चुनने वाले होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले राष्ट्रपति बुला के जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी होगा उस दल के नेता को बुलाएगा, पार्टी के नेता को राष्ट्रपति, और फिर उसको पद की शपथ दिलाएगा, प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है ना, प्रधानमंत्री की शपथ दिलाएगा। शपथ लेनी होती है बेटा, ठीक है ना, देश के प्रति निष्ठा की। और फिर प्राइम मिनिस्टर अपनी एक लिस्ट देगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, कि मेरे साथ में मेरे को अपने सहयोगी चाहिए। वो अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालने वाले हैं, कोई फॉरेन मिनिस्ट्री संभालेगा, कोई एजुकेशन मिनिस्ट्री संभालेगा, कोई रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, ग्राम का डेवलपमेंट, कोई इंडस्ट्री उद्योग का, कोई रोड एंड ट्रांसपोर्ट, ऐसे ऐसे अलग अलग विभाग मिलने वाले हैं। लेकिन जो टोटल मेंबर्स होते हैं ना 543, इसके 15% से ज्यादा मेंबर्स मिनिस्टर्स नहीं बन सकते, ये याद रखोगे बेटा इतना यहाँ तक। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं, मुझे पता है तुम लोग याद रखने वाले हो। पार्लियामेंट, सरकार बन गई अपने देश में बेटा, है ना। देश की सरकार बनने के बाद में अब हमको क्या करना होगा, वो अलग अलग बैठ जाते हैं, जो सरकार में होते हैं ना मेंबर 272, वो अलग से बैठते हैं, ट्रेजरी बेंचेस बोलते हैं उनको, ठीक है ना। कौन से बेंचेस? ट्रेजरी। और दूसरा मैंने बताया एक शब्द, कोएलिशन, याद रखना, जब बहुत सारी पार्टियां मिलके एक साथ, एक से ज्यादा पार्टी मिलके एक साथ सरकार बनाती है तो कोएलिशन गवर्नमेंट, या हिंदी में गठबंधन की सरकार बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ट्रेजरी बेंचेस जो सरकार में है, मिनिस्टर्स और या फिर उसकी पार्टी के जो दूसरे मिनिस्टर नहीं बने लेकिन उस पार्टी के हैं, वो सारे अलग बैठते हैं। और जो विपक्ष के लीडर्स जो सरकार में नहीं है, 272 से अलग जो बाकी बच गए, वो सारे के सारे अपोजिशन पार्टी कहलाएंगे। तो एक अपोजिशन पार्टी का भी लीडर होने वाला है, ठीक है ना। एक अपोजिशन पार्टी का लीडर होगा लोकसभा में, एक आपका लोकसभा को चलाने, तुम्हारी क्लास को चलाने के लिए मॉनिटर नहीं तो टीचर होता है। ऐसे लोकसभा में 543 मेंबर्स को संभालने के लिए एक लोकसभा में से अपने में से एक को चुनते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द स्पीकर ऑफ द हाउस, ठीक है ना। वो स्पीकर कहलाएगा और वो फिर कंडक्ट करेगा बिजनेस, उनको कंट्रोल करेगा, जो भी कानून बनाएंगे ना, तब कोई बोलने वाला है ज्यादा बोलेगा तो उसको बंद कर देना, बहुत ज्यादा बोलता है तो बाहर भी निकाल देते हैं, ठीक है, इस तरह से करते हैं। और ये बात ठीक है कि उनको बोलने का आजादी है, वहां पर फ्रीडम है, फ्रीडम, अपने ओपिनियन रख सकते हो, सरकार की बुराई करना उनका काम है। अगर सरकार कोई ऐसा कानून लेके आती है जो देश की भलाई में नहीं है तो जो अपोजिशन पार्टी है उनका क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पार्लियामेंट के मेंबर्स जितने भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो अपने काम के लिए पार्लियामेंट के मेंबर के प्रति रेस्पॉन्सिबल है, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन आवर, जैसे ही पार्लियामेंट शुरू होती है तो सबसे पहले क्वेश्चन आवर ही है, तो मिनिस्टर्स को बड़ा तैयारी करके आना होता है बेटा, ठीक है ना। पहले से उनको पता लग जाता है मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे उन्होंने, लोकसभा के स्पीकर बता देता है, भाई अपोजिशन पार्टी के जो है मेंबर पार्लियामेंट उन्होंने आपकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा है, देन ही विल कम विद द प्रिपेयर्ड आंसर, ठीक है, पूरे फिगर्स फैक्ट लेके आते हैं। तो इस तरह से आपकी हमने बना दी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा के मेंबर्स, और फिर सरकार भी हमने बना दी, सरकार को शपथ भी दिला दी, ठीक है ना, मिनिस्टर बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए। और जब भी हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो एक बात और याद रख लेना, कभी भी पूछा मैंने तुम लोग बताओगे, जब पार्लियामेंट की बात करते हैं ना तो लोकसभा राज्यसभा कोई नहीं बोलते, पार्लियामेंट, उसके अंदर प्रेसिडेंट भी शामिल है, राइट। किसको बोलेंगे पार्लियामेंट? द मेंबर ऑफ द लोकसभा, द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सभी को मिला के आपके देश की सरकार, आपके देश की पार्लियामेंट बन गई, ठीक है ना। अब पार्लियामेंट बनने के बाद में उनका काम तो देश के लिए कानून बनाना है, ठीक है ना। लोकसभा यूजुअली एक जो लोकसभा है वो जो मेंबर चुन के आपने भेजे हैं उनको तो लोकसभा कहा है हमने, वो लोकसभा के मेंबर दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल यूजुअली फॉर द 5 years, कितने और हाउ मच पीरियड, 5 साल के लिए चुन के भेजे जाते हैं। अब 5 साल तक इनको शासन करना है, देश के सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगों ने, लोगों के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी इनका, दीज आर द पीपल रिप्रेजेंटेटिव, देश के लोगों के प्रति। अब इनको कानून बनाना है और दूसरी पॉलिसी डेवलपमेंट के काम पूरे पार्लियामेंट में डिसाइड होते हैं,
अब पार्लियामेंट का फॉर्मेशन हमने कर लिया बेटा, कौन कौन से फंक्शन करते हैं। अब पार्लियामेंट के बारे में हमने बात कर लेते हैं। पार्लियामेंट को हमने बोला कि लोकसभा के मेंबर्स, और फिर हमने बात की कि राज्यसभा के मेंबर। तो यहां से हम फिनिश कर देते हैं बेटा, ये तुम लोग पढ़ चुके हो ना, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं राज्यसभा के मेंबर्स के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? राज्यसभा के मेंबर्स। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं ये कितने होंगे, चलो अंदाजा लगाइए, हाउ मच? अरे बताओ बेटा, 245। हाउ मच? 245 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के। लोकसभा में 543, पहले 545 होते थे। दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के हैं, नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट, उनको चुनाव नहीं लड़ना होता था, वो नॉमिनेट हो जाते थे प्रेसिडेंट, उनको एडुकेट रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, क्योंकि जिनके वाइफ और हस्बैंड में से कोई एक दूसरे देश का है ना, ब्रिटेन का, तो वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के कहलाते हैं। एंग्लो मीन्स अंग्रेज, इंडियन भी होंगे क्योंकि उनमें से एक इंडियन है वाइफ और हस्बैंड में। तो दो नॉमिनेट होते थे, अभी वो खत्म कर दिया इन्होंने 2020 में ना, जनवरी के अंदर हमारे संविधान में चेंजेस कर दिया, अभी उनको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है, हमारे देश में है नहीं इतने एंग्लो इंडियन, ठीक है, खत्म हो गया वो बात। अब हम बात करते हैं 245 मेंबर्स। अब 245 में से भी मिला, ये 233 मेंबर्स को होते हैं दीज आर दी इलेक्टेड मेंबर्स। कैसे है ये? दीज आर दी इलेक्टेड मेंबर, ये तो चुन के आते हैं। भाई वाह, हमने कह दिया ये चुन के आते हैं, तो वेयर आर दी अदर वन, वो कैसे आते हैं? हमने तो 245 की बात की, यहाँ पे तो हमने 233 की बात कर रहे हैं। तो बाकी जो 12 मेंबर्स हैं उनका क्या है, मैं अभी बताता हूँ आपको। जो 12 मेंबर्स हैं मैंने बात की ना, इसमें से 233 करोगे तो देखो 12 आ गए। ये 12 मेंबर्स दीज आर दी मेंबर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन नॉमिनेट करने वाला है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। हमारे देश के राष्ट्रपति नॉमिनेट करने वाले, किसी को भी कर देंगे क्या? राष्ट्रपति की मर्जी है, जिसको चाहे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसे नहीं है। उनका कोई अपना एक यूनिक एक्सपीरियंस होना चाहिए, दे शुड हैव द एक्सपीरियंस। इनका कोई एक डेफिनेट कोई, जैसे कोई, दे शुड बी द डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, ठीक है, साहित्य में कुछ किया हो, कला के अंदर कुछ किया हो, या फिर रिसर्च वगैरह में कुछ किया हो, कुछ ना कुछ करा होना चाहिए, देन दे विल बी इलेक्टेड एंड दे विल रिप्रेजेंट उन लोगों को जिनके जिस फील्ड में इन्होंने काम किया, उनका रिप्रेजेंटेशन ये पार्लियामेंट में देते हैं, ठीक है ना। तो राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते कैसे हैं ये भी तो जानना चाहिए। हमने तो कह दिया कि 245 मेंबर्स हैं भाई राज्यसभा के, एंड हाउ दीज 245 मेंबर्स आर इलेक्टेड, ये भी तो बात करने वाली है। तो जितने भी अपने देश में स्टेट गवर्नमेंट है, राइट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कौन सी? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। ये स्टेट लेजिस्लेचर्स क्या करेंगी? ये चुनती है राज्यसभा के मेंबर। कितने हैं, कितने स्टेट हैं, चलो मुझे बताना कमेंट करके, कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपको दे दिया है। और यूनियन टेरिटरी कौन सी? स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आपके, जैसे बात करो यूनियन, दो यूनियन टेरिटरी हैं दिल्ली, दिल्ली और पुडुचेरी, यहां पे भी उनके मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि वो सारी स्टेट गवर्नमेंट और वो यूनियन टेरिटरीज जहां पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, विधानसभा के सदस्य, बात करने वाले आगे विधानसभा के, चिंता नहीं करना, तो वो चुन के भेजते हैं इनको। और चुनने का तरीका बड़ा क्रिटिकल है, बहुत आगे आपको बताएंगे, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से ये चुन के आते हैं, यानी कि रिस्पेक्टिव मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। हरियाणा से जैसे 5 मेंबर चुन के आते हैं, ठीक है ना, लोकसभा के लिए 10 मेंबर चुन के आते हैं। हाउ मच? लोकसभा में हरियाणा से 10 मेंबर, राज्यसभा के 5 मेंबर, राइट। ऐसे जो लोकसभा है वो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है, किसी स्टेट से बहुत ज्यादा चुन के आएंगे बिकॉज उनका एरिया और पॉपुलेशन ज्यादा है, किसी स्टेट से सिक्किम से एक ही आएगा क्योंकि बहुत छोटा स्टेट है, समझ गए, मेंबर ऑफ लोकसभा की बात कर रहा हूं। तो इस तरह से लोकसभा के 545
होते थे, आज के दिन 543 है, करेक्ट। इसी तरह से राज्यसभा में 233 चुनके आते हैं। मैक्सिमम जो राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है ना, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 250 तक हो सकती है बेटा, हाउ मच 250 तक हो सकती है, लेकिन आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं 245 तक ही चुनके जाते हैं, ठीक है ना, उनसे हमारा मैनेज हो जाता है राज्यसभा। अब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों का इंपॉर्टेंस है, देखो लोकसभा से कोई भी कानून जब तक कानून नहीं कह सकते जब तक राष्ट्रपति का साइन नहीं होगा, उसको बिल बोलते हैं हिंदी में, विधेयक बोलते हैं, तो कोई भी देश का कानून बनाना है तो लोकसभा से पास होना चाहिए। टोटल जितने मेंबर्स है 543 है, उनके 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए कानून, वहां से 2/3 बहुमत से पास होके जाएगा, यानी कि हर 3 में से 2 मेंबर पार्लियामेंट उसके सपोर्ट में हो। ऐसे यहां से पास होने के बाद में देन इट विल गो टू द राज्यसभा, और राज्यसभा भी पास करेगी, देन अगेन इट विल गो टू द प्रेसिडेंट फॉर द सिग्नेचर, फाइनल सिग्नेचर। तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जब देश के साइन कर देंगे तो कानून बन जाएगा, ठीक है ना, राइट। इतना समझ में आ गया, तो राज्यसभा लोकसभा दोनों का इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों को हमने डायरेक्ट से चुना है, राज्यसभा के सदस्यों को इनडायरेक्टली, यानी कि जिनको हमने चुन के भेजा लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं, दैट इज व्हाट वी वांट टू टेल यू, ओके। यहां तक बात होगी बेटा, अब क्या करते हैं, सेलेक्ट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट हमने सेलेक्ट करी थी, कैसे बनती है 543 में से। उसके बाद में हमने बताया कि वो क्या करते हैं, जो अपोजिशन को जो मेंबर्स हैं, जो मिनिस्टर्स नहीं है, जो सरकार में नहीं है, वो कंट्रोल करते हैं कैबिनेट के ऊपर, जो मिनिस्टर्स हैं वो भी हमने बता दिया। अब लॉ मेकिंग इनका काम है, कानून बनाना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लगा लो चाहे दोनों के, राज्यसभा लोकसभा, इनका काम है कानून बनाना, दोनों से जाके गुजर के जाएगा बिल, तब जाके कानून बनने वाला है। एंड हु आर द मेंबर इन द पार्लियामेंट, भाई ये पार्लियामेंट के सबसे लास्ट में है मेरा, इसी टॉपिक में हम चल रहे हैं, लास्ट टॉपिक, हु आर द मेंबर्स इन द पार्लियामेंट, ये भी बात कर लेते हैं कि पार्लियामेंट के मेंबर्स कौन है बेटा, है पार्लियामेंट के मेंबर्स के बारे में कौन है, कैसे जाते हैं, ठीक है ना। हमने बात तो कर दी 543 मेंबर्स हैं, कितने हैं, तो अब देखो 543 में से ये रूरल बैकग्राउंड से भी आने वाले हैं, कहां से आ रहे हैं, कुछ मेंबर्स तो रूरल बैकग्राउंड से भी आएंगे, ठीक है ना, बैकग्राउंड का मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से, रूरल बैकग्राउंड मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से, कुछ यहाँ शेड्यूल कास्ट के आने वाले हैं, ठीक है ना, और बस कुछ आएंगे शेड्यूल ट्राइब के आने वाले हैं, ठीक है। ये सब क्या है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, रूरल बैकग्राउंड तो मैंने बता दिया, ग्रामीण, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात कर ले थोड़ा सा, ओके। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बेटा वो लोग हैं जो हिस्टोरिकली हमारे देश में, भारत में, ये हमारे देश के ही है, लेकिन हिस्टोरिकली ये किसी कारणों से एजुकेशन इनका पीछे रहे हैं, ठीक है ना। अब इनके पीछे रहने से काफी पीछे रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन काफी खराब है। अब हम इन्हें क्या किया, इन लोगों को के लिए कुछ पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज कर दी, ठीक है ना भाई, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये हमारा सपोज करो इंडिया है, यहां से यहां से यहां से ये सब जो भी जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, मान लीजिए यहां से सिर्फ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का ही आदमी खड़ा हो सकता है, कोई दूसरा नहीं खड़ा हुआ, यानी कि हमको सबको वोट डालिए, लेकिन किसको डालेंगे, शेड्यूल कास्ट को, ये शेड्यूल ट्राइब की है तो यहां पर हम शेड्यूल ट्राइब को डालने वाले हैं। तो इस तरह से हमने इनको रिप्रेजेंटेशन दे दिया भाई, ठीक है ना, किस लिए दिया इनको, ताकि इनकी कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम है इससे ज्यादा तो कोई जानता नहीं है। तो अगर हम नॉर्मली अगर चुनाव में खड़े होंगे तो नहीं जीत पाएंगे, ठीक है ना, तो हमने इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी इस तरह से कर दिया कि यहां से शेड्यूल कास्ट ही जीत के आएगा, खड़ा ही वहां पर कंटेस्ट ही वही कर पाएगा, ये शेड्यूल ट्राइब की कर दी, ऐसा फिक्स है कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बात करने वाले बाद में, और इससे सिर्फ यही लोग जीत के आ सकते हैं, शेड्यूल कास्ट जीत के खड़े ही यही लोगों के शेड्यूल ट्राइब के, राइट, क्यों किया, क्योंकि हिस्टोरिकली बैकवर्ड हो गए, पीछे रह गए। तो ऐसे हमारे जो 543 में कुछ शेड्यूल कास्ट है, कुछ शेड्यूल ट्राइब है, या फिर बैकवर्ड कम्युनिटी के भी रिप्रेजेंटेशन है, फिर जनरल सीटें भी हैं, जनरल ज्यादा
ठीक है ना, वहां से कोई भी कंटेस्ट कर सकता है। फिर काफी सालों से बात चली आ रही है कि भाई जितने भी वुमेन्स है उनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है पार्लियामेंट में। शुरू शुरू में अगर बात करें तो वुमेन्स का जो 4% के लगभग ही चुन के आए थे पार्लियामेंट में, फिर उसके बाद में 7% हुआ, और अभी अगर बात करें अभी प्रेजेंट में जो 17th लोकसभा है, अभी कौन सी लोकसभा है बेटा, कौन सी है 17th लोकसभा, कब हुआ इसके चुनाव, 2019 अप्रैल और मई, राइट। तो ये 17th लोकसभा है, इसमें फीमेल का जो रिप्रेजेंटेशन है लेडीज है ना, उनका रिप्रेजेंटेशन अच्छा है। अभी तक के पार्लियामेंट में जितने भी चुनाव हुए वुमेन सबसे ज्यादा जीत के आई है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अपने आप में आप सोच सकते हो, उनको भी हम चाहते थे कि उनका भी रिजर्व कर दिया जाए जैसे एक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, ताकि उनको एडुकेटिंग रिप्रेजेंटेशन मिले, लेकिन इस पे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कोई एग्रीमेंट नहीं बना, और ऐसा कोई कानून बनना चाहिए ना। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चाहे लोकसभा की बात करें या फिर राज्यसभा से, इनमें एग्रीमेंट नहीं हुआ तो ऐसा कोई कानून पास नहीं हो पाया। तो इन्होंने फाइट करके अपने जीत के आ रही है, अभी काफी है इस बार तो काफी है, ठीक है ना। तो बेटा इस तरह से मुझे लग रहा है कि आप अच्छे से इस चैप्टर में द रोल ऑफ द पार्लियामेंट एंड हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट, कौन है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब रूरल बैकग्राउंड नॉर्मल लोग और बैकवर्ड कम्युनिटीज ह्यूमेंस, ये तो है सारे सारे पार्लियामेंट में, इसको मिला के तो पार्लियामेंट बनी है, ये पूरा आप समझ पाएंगे, ठीक है। यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर दोबारा मुलाकात करें नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इस चैप्टर में जो बाद में कुछ वर्ड्स वगैरह हैं उनको करते रहो बेटा, मैंने फिर कहा कि आप रेगुलर, अगर आपने रेगुलर काम नहीं किया रोजाना के रोजाना, तो यू विल मिस समथिंग इम्पोर्टेंट, राइट। ये मैं बता रहा हूं बेटा, और कोई तरीका ही नहीं है, यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क डेली, डेली के डेली काम कीजिए, डेली का डेली फिनिश करो। जो समझ में नहीं आता मेरे पास में ड्रॉप कर दीजिए मैसेज, व्हाट्सएप पे कर दीजिए, मैं आपको मैसेज से कन्वे कर दूंगा, राइट, कॉल भी कर लूंगा जहां पर कॉल करने की आवश्यकता है, बट मेक श्योर कि आप पूरा करो, पढ़ो उसको, पूरे चैप्टर को पढ़ो बेटा, खाली बुक में असाइनमेंट ले दिया नोटबुक भर दी, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, राइट। फिर मुलाकात करेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।